नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक, फसल बीमा को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इन दिनों चरम पर है उपचुनाव की सियासत। इंदौर में विजय वर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला हमला, कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना, कहा एमपी में बलात्कार, बेरोजगारी और किसानों की पीड़ा को मामले में देश की राजधानी बन रही है। कांग्रेस के 24 सीटों पर टिकट तय, 4 सीटों पर उलझन। मेगांव मुरैना के टिकटों पर गुत्थी सुलझने लेकर नाथ व दिग्विजय की चर्चा। ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस ने पेश की मिसाल, बच्चों को पहनाई चप्पल और दी किताबें, गाड़ियां रोक कर ताली बजाने के लगे लोग। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 2-3 दिन में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई होने की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जबलपुर पहुंचे कमलनाथ ने सबसे पहले सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निज सचिव सुभदानंद महाराज व ब्रह्मचारी चैतन्य ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। पूजन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत, विधायक विनय सक्सेना समेत कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही और कहा कि प्रदेश की जनता भोली है, मूर्ख नहीं, और उसे बार बार बहलाकर सत्ता पाई जा सके। उपचुनाव में जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का मूड बना लिया है, जिसका जवाब भाजपा को जल्द ही मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुए, जहाँ हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान दुखी है, परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान है, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज की जो तस्वीर है, मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। और आज मध्य प्रदेश गवाह है कि किस प्रकार के सौदे की सौदा किया, बोली बोलकर सरकार बनाई। प्रजातंत्र डूब रही है, संविधान डूब रहा है, मध्य प्रदेश डूब रहा है। आज मध्य प्रदेश बच जाए, इसका आशीर्वाद, इसकी प्रार्थना मैं कर रहा हूं। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, जहां उपचुनाव हुए। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था, उनका झूठ का इलाज किया था। पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी। पुलिस को अक्सर मुजरिमों को पकड़ने और अपराध को रोकने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की खाकी को ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहे बच्चों को पुलिस ने चप्पल पहनाई, साथ ही किताबें भी बांटी। शहर की सड़क चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए इंदौर पुलिस ने नया तरीका अपनाया है, पुलिस सेवा के साथ काम कर रही है। दरअसल छतरीपुरा थाना क्षेत्र में सड़क पर भीख मांगने वाले और छोटे मोटे सामान बेचने वाले बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय पुलिस ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची और यहां पर मौजूद मासूमों को उनकी जानकारी दी। जनपद पंचायत मोहघेर की ग्राम पंचायत खुना खुरुद में हमेशा भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों की सुर्खियों में आ रहा है, मगर आज तक उच्च अधिकारी और सरपंची द्वारा झूठे मामलों में फंसाने के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। और एक बार इसी पंचायत अंतर्गत आने वाले नारंगी गांव में 54 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया गया, जो सीसी सड़क 15 दिन में ही उखड़ गई। दरअसल कमीशन खोरी के खेल में उपयंत्री और एसओडी
एसडीओ की मिली भगत से सरपंच सचिव ने सीसी निर्माण की में गुणवत्ता को दरकिनार किया, जिस कारण घटिया निर्माण हुआ और 15 दिनों में ही सीसी उखड़ गई। जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर गांव का विकास करने की जिम्मेदारी होती है वही योजना में पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी और सरपंची पर कार्रवाई अब कब होगी और कब होगा गांव का विकास। क्या है? नहीं, कमरे में लाइट चल रही है। हाँ, नलों में पानी आता है। कब से नहीं आ रहा नल में पानी? अभी काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? देते तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही चलते फिरते वाला काम, हमेशा यही नाटक रोना रहता है। काफी टाइम। और ये रोड कब बनी है? ये रोड को हुआ है 10 से 15 दिन। तो अभी से इतनी जल्दी खराब हो गई रोड? अब देखो ना, अब क्या हुआ है, काम कैसे हुआ है। मेरे सामने में अभी जानकारी आई है। जी जी, मैं अभी इसकी जांच करवाता हूँ, जांच में सामने आएगा। जी, इसे जांच करवाता सामने। सर, यहाँ पर पेयजल भी समस्या को लेकर काफी परेशान है। स्ट्रीट लाइट लोग घरों से जलाते हैं, हर घर में। वस्तुतः बात यह है कि पेयजल की जो समस्या है, 3-4 सालों से पेयजल का जो राशि है जो प्रत्येक परिवार पे आती है जी, वो प्राप्त नहीं हुई है पंचायत को। मुझे याद हुआ है कि मशीन सुधरने को टाइम है, अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं, मशीन सुधर जाएगी और समस्या का निराकरण। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी से 8 किलोमीटर दूर गांव में बिलोरा बुजुर्ग नर्मदा किनारे अवैध रेत उत्खनन का काला धंधा जोरों पर है। मां नर्मदा का सीना चीर के निकाली जा रही बालू रेत का काला धंधा खनिज अधिकारी और वन विभाग की नाक के नीचे खूब फल फूल रहा है। नर्मदा से अवैध उत्खनन के पास के क्षेत्र ओंकारेश्वर बडवाह संवाद में 7,000 रुपये प्रति ट्रॉली के हिसाब से बेचने का काला कारनामा अधिकारी और प्रशासन के नाक के नीचे मिली भगत से चल रहा है। अधिकारियों पर आरोप है कि मौके पर तो जाते हैं लेकिन ले देकर वापस लौट आते हैं। माध्यम से भी मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, तो मैं आपको अभी यहाँ के जो तहसीलदार हैं मंडले, उनको तत्काल निर्देशित करूँगा तथा लीगल इलीगल रूप से किस प्रकार चल रही है इसकी जानकारी भी लूँगी। यदि अवैध रूप से परिवहन हो रहा है या खुदाई हो रही है इसकी, तो हम उसमें कार्रवाई करें। छिंदवाड़ा चंदा मेटा के बुटिया बस्ती से एक बेकरी संचालक 14 वर्षीय बेटे का गुरुवार को रात अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने बच्चे के पिता के मोबाइल फोन पर 25 लाख की फिरौती मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी सक्रिय हुई और कुछ घंटों में ही अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चा भी सकुशल बरामद कर लिया गया। थाना चांदा मेटा क्षेत्र में एक अवयस्क लगभग 14 वर्षीय बालक के अपहरण की सूचना थाना चांदा मेटा में प्राप्त हुई थी, जिस तारतम्य में अपहृत अवयस्क बालक के पिता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्चे की सुरक्षित रिहाई के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी। घटना अत्यंत गंभीर और संवेदनशील प्रकृति की थी। इसमें धारा 363-364A IPC के तहत अपराध काल पंजीबद्ध करके पुलिस की विभिन्न टीमें निरंतर सक्रिय हुई। डबरा विधानसभा में भाजपा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ नगर के साहू धर्मशाले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता डबरा विधानसभा से भाजपा की संभावित प्रत्याशी महिला विकास मंत्री इमरती देवी सुमन ने की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से इमरती को जिताने की अपील के साथ ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने इमरती देवी पर तंज कसा था। उसी पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री लखन सिंह पर व्यंग करते हुए कहा कि इमरती अपनी राजनीतिक बल्दियत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आई है, पर लखन सिंह किसके साथ बसपा में गए और फिर कांग्रेस में आए, इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। उन्हें अपने चिर परिचित अंदाज में कविता कहते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी
को दल बदलू कह रहा है पहले अपने गिरेबान में झांके। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और उमंग सिंगार के बयान को आधार बनाते हुए दिग्विजय सिंह को प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया और शराब माफिया कह दिया। ईमानदारी से गलत नहीं बोल रहे, हमें जय पता नहीं उनको कार्यालय खुल रहा हो कि नहीं खुल रहा हो, अब भी हमें कार्यालय की पतो लगाए जी हमें पता नहीं, लेकिन हमें वास्तव में ईमानदारी से सख्त बता रहे कि हमें उनके कार्यालय को पता ही नहीं था, तो हम उनके कार्यालय पर रोक काहे को लगाते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उमंग सिंगार ने आरोप लगाया और आज तक ना तो दिग्विजय सिंह ने खंडन किया और ना आज तक उमंग सिंगार ने खंडन किया। बल्लभ भवन जो दलाली का अड्डा बन गया था, पूरा का पूरा बल्लभ भवन, नौजवानों के नेता नकुलनाथ, बुजुर्गों के नेता कमलनाथ, बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ। एमजी रोड पुलिस ने शहर के ऐसे 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इलाके के एक फोटो स्टूडियो में चोरी करती थी। सभी रविवार को माल का बंटवारा करते समय पकड़ी गई। एमजी रोड थाना टीआई राजेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पकड़ी गई महिलाएं गंगाबाई उर्फ दुर्गाबाई, पार्वती, संगीता, दुर्गा, पूजा, किरण, भारती, मीना, माया, नीतू और दुर्गा आवड है। ये सभी गांधीनगर स्थित गोमटगिरी मल्टी में रहने वाली। यहाँ पर उन्होंने शहर के अलग अलग स्थानों में शिफ्ट किया गया था। टीआई ने बताया कि सुबह आड़ा बाजार के दुकान संचालक रुपेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान माँ कालका स्टूडियो से चोरी हो गई है। दुकान की खिड़की टूटी थी। दुकान से कैमरे, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत 4.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक का सामान गायब था। पुलिस ने छानबीन शुरू की। रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ महिलाएं कोष्टी समाज के धर्मशाला में पीछे माल का बंटवारा करने के बाद सस्ते में बेचने की फिराक में हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारा, उन्हें माल समेत दबोच लिया। उनसे माल जब्त हुआ और अब नए मामले में पूछताछ की जा रही है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आत्मनिर्भर होते भारत के विकास की धुरी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी भी होगा। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक
दोनों ही तरीके से विस्तार दे। नोएडा में एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी का ऐलान कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी फिल्म जगत के विकेंद्रीकरण का संकल्प ले लिया है। भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिलना चाहिए, इस समय की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 12 से 2 पर जा चुके उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए आज कई सुनहरे अवसर हैं। प्रदेश में हुए इन्वेस्टर्स समिट ने विश्व भर के निवेशकों का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ कर दिया है। लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री ने 3,00,000 रिक्त सरकारी पदों पर तत्काल नियुक्ति के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के 8,00,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयां आज 50,00,000 से अधिक कारीगरों को नौकरियां और जीने की नई दिशा दे रही है। देश में चीनी खिलौनों को टक्कर देने ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा टॉय सिटी खड़ा हो चुका है और आज विश्व भर में यहीं से खिलौने का निर्यात किया जा रहा है। तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी और करीब 1,50,000 लोगों को सीधे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। देश की बड़ी औद्योगिक शक्ति बनने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पारंपरिक कला और लघु उद्योगों का मुख्य केंद्र बन चुका है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शाहजहांपुर बस स्टैंड पर आज दलित मुस्लिम एकता मंच के द्वारा मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मनीषा की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई थी, जवान काट दी गई थी, जिसके बाद उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मनीषा ने दम तोड़ दिया। हाथरस पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा रात में मनीषा के घरवालों के बिना मर्जी के मनीषा का अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया, जो सरासर गलत है, जिससे पूरा देश में सोशल मीडिया के सहित लोगों ने मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दलित मुस्लिम एकता मंच ने कहा कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मनीषा के परिवार वालों को, एक व्यक्ति को नौकरी, 1 करोड़ परिवार को दिए जाए, साथ ही दरिंदों को फांसी की सजा की मांग की है। छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायत कपरवाड़ी में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव सोहनलाल साहू के खिलाफ पंचायत में अनियमितताओं के घूसखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर कलेक्टर सौरभ सुबन से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम पंचायत रिकॉर्ड चबूतरा रंगमंच कुल 18 बने हैं, लेकिन धरातल पर मात्र 12 हैं, जिससे 6 गायब हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सचिव की संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में भी शिकायत किए जाने के बाद भी जिला प्रशासन अधिकारियों की मिलीभगत मामले को दबा दिया था, लेकिन इस बार अगर सचिव के खिलाफ निष्पक्षता से जांच नहीं की गई तो वह इसको लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री के से शिकायत करेंगे। चंदेरी में वाल्मीकि समाज के साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश घाघरी एवं मध्य प्रदेश भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष रोहित अहिरवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलगड़ी के हाथरस की बिटिया के साथ हुई दरिंदगी को लगभग 6 दिन तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आरोपियों को विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया यह रवैया महिला सुरक्षा कानून के प्रति संवेदना को दर्शाता है, जिसको लेकर चंदेरी वाल्मीकि समाज ने रैली निकाली, जिसमें बिटिया के हथियारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। यह रैली चंदेरी नया बस स्टैंड से शुरू हुई, जो एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां अनुभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार राजकुमार कुशवाहा को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। मामहिम राष्ट्रपति जी से हाथरस में हुए गैंगरेप के दोषियों को कड़ी कार्रवाई सजा दिलवाने की मांग की है। बहरी के नक्सर गांव में बीते दिन हुई हत्या के आरोपी में बहरी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने प्रेस वार्ता का खुलासा किया और पुरानी रंजिश तथा पैसों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ था। लगभग 9 बजे नगझर केवट टोल में गंगा सिंह पिता शंभू सिंह और गोरेलाल पांडे पैसे के लेनदेन को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। झगड़े के दौरान आरोपी रघुनाथ पांडे ने गंगा सिंह के ऊपर डंडे से वार कर दिया। डंडा के घातक वार से उसकी मृत्यु हो गई।
आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मर्ग क्रमांक 77/20 174 सीआरपीसी के तहत दर्ज करके पुलिस ने अपनी मर्ग की जांच प्रारंभ करी। मर्ग जांच के पश्चात जो है इसमें अंधी जो इसमें हत्या का जो है पता चला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साइबर एविडेंस व अन्य जो है चक्षुरक्षी साक्ष के आधार पे पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की। अशोकनगर में बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं, वो एक राहगीर को कॉलर पकड़कर उसे चाटे मार रहे हैं। वजह यह बताई जा रही है कि नेताजी शराब के नशे में थे और वहां से निकल रहे थे। युवक को बाइक रोककर अगले गांव छोड़ने की बात कहते हैं, पर युवक नेताजी को नहीं जानता था तो उसने छोड़ने को मना कर दिया। फिर क्या था, नेताजी ने उस युवक की जमकर मारपीट की। दूसरे वीडियो में नेताजी ने उस युवक को सड़क किनारे बैठा लिया और जब ग्रामीणों ने कहा कि उस युवक को जाने दें तो नेताजी जो कि शराब के नशे में वीडियो हमें दिख रहे हैं वो जमकर गाली देने लगे। बात करते हैं गरियासपुर की, जहां 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी रईस नगर गांव की एकमात्र पुलिया नहीं बन सकी है। पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से राहगीरों के आवागमन को असुविधा होती है। बता दें गरियासपुर तहसील के धोखेड़ा पंचायत के ग्राम रईस नगर में पिछले 2 वर्ष से सड़क एवं पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आज दिनांक तक पुलिया का निर्माण नहीं होने के चलते राहगीरों को आवागमन समस्या का सामना करना पड़ता है। राहगीर राम सेन ने बताया कि अधिक बारिश में अस्थायी पुलिया बह जाती है और हमारे गाँव को जाने वाले एकमात्र रास्ता यही है, जिस कारण बारिश के चलते आवागमन बंद हो जाता है। बीमार मरीजों को खाट पर लाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।